अस्सलाम वालेकुम। तो आईपीएल के बारे में बात करेंगे कि पांच ऐसे प्लेयर्स जो कि हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव और उनकी वजह से आईपीएल में थोड़ा सा मसला ज़रूर आ सकता है, क्योंकि आईपीएल के शुरू होने से पहले ही आपके पांच पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। तो आई होप कि आईपीएल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि भाई जिस तरह से कुछ कैंसिल हुए टूर्नामेंट, इस तरह से जो है आईपीएल भी टूर्नामेंट कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये क्रिकेट का नुकसान होगा, क्योंकि दो महीने की एंटरटेनमेंट जो है वो हमारी रुक जाएगी। खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर जो है वो इस टाइम पर कोविड पॉजिटिव हुए हैं और आगे इन सबको कब तक जो है टीम में वापस ले लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर हैं हमारे देवदत्त पडिक्कल साहब। देवदत्त पडिक्कल जो है आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे, और देवदत्त पडिक्कल का जो है अभी ये कोरोना पॉजिटिव आ गया है इनका, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जिस तरह से कह रहे हैं कि इनकी रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो रही है, ये बहुत जल्दी अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरे एक बड़े खिलाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा जिसने जो है कोविड पॉजिटिव हुआ है, वो है नितेश राणा। नितेश राणा भी जो है ये काफ़ी अच्छे ऑफ ब्रेक बॉलर है और इनका भी कोविड पॉजिटिव आ गया है। आई होप कि ये भी जल्दी से जल्दी रिकवर करें और आईपीएल में वापस आ जाएं। उसके अलावा भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। उसके अलावा यहाँ पर आरसीबी के डैनियल सैम्स भी हैं। तो आरसीबी के दो प्लेयर्स हो गए यहाँ पर, देवदत्त पडिक्कल और डैनियल सैम्स। तो यहाँ पर जो है इनके लिए थोड़ा सा मसला ज़रूर है कि भाई अपनी टीम को थोड़ा बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी जब प्लेइंग 11 बनाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देवदत्त पडिक्कल तो 100% जी अपनी टीम में होना जगह बनती थी उनकी। और इस बात को ट्विटर पर आरसीबी ने खुद कहा कि देवदत्त पडिक्कल को जो है कोविड है, तो इसमें कोई भी दोराय अब मौजूद नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर केरन मोर जो हैं हमारे मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर, वो भी अब मेरे ख्याल प्लेइंग 11 का हिस्सा तो होने नहीं वाले थे, तो उनको भी यहाँ पर मसला हो गया थोड़ा सा अपना कोविड पॉजिटिव आने का, और उनके लिए भी ये अच्छी बात नहीं है और ना ही मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात है। बट इतने कोई बड़ा प्लेयर्स ये था नहीं। दूसरे मैंने आपको डैनियल सैम्स के बारे में बता दिया। अब ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि आपको कोविड पॉजिटिव देखने को मिले हैं, और इंडिया में जो है इस टाइम पर थोड़ी सी खलबली ज़रूर मची है, टेंशन थोड़ी क्रिएट हो गई मैं ये कहूँगा, क्योंकि भाई जब भी आपको कोई प्लेयर पॉजिटिव आता है तो दुआ यही होती है कि टूर्नामेंट के बीच में ऐसा ना हो जाए। खैर ये तो टूर्नामेंट में बायोसिक्योर बबल में आने से पहले पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इनको अलग जो है दे दिया गया। बाकी जो बायोसिक्योर बबल में है वो सब के सब नेगेटिव थे, और वैसे भी मैचेस से पहले उन सबका टेस्ट ले गया, उसके बाद उनको मैचेस में उतारा जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, और कुछ ऐसे बंदे जो चाहते हैं कि भाई क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग ना हो तो उनका जो है दिमाग से छोड़ो, दिमाग से फारिग होते हैं वो लोग, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर दो महीने की अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप पीएसएल लगातार देखो, और पीएसएल को देखने का बेस्ट तरीका जो है पाकिस्तान में जो फेसबुक पे है, जो अपन देखता है एकदम मस्त लगती है फेसबुक पे एचडी क्वालिटी में। उसके अलावा यहाँ पर आपको अगर हॉटस्टार वगैरह पे देखनी है तो वो भी आप परचेज करके देख सकते हो, अगर आप पेमेंट थोड़ा अमीर आदमी हो, मेरी तरह गरीब नहीं हो तो। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान में जियो सुपर पे कहा तो जा रहा था कि ये मैचेस दिखाएंगे, लेकिन अब जो लग रहा है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जियो सुपर ने अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है इस बारे में आईपीएल में, वरना जब भी आईपीएल होने वाली होती है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस पर ऐड आते हैं या कोई जियो सुपर का कोई शो आता है, लेकिन आज ना तो कोई शो था ना ही कोई कन्फर्मेशन थी जियो सुपर की तरफ से, इसलिए पाकिस्तान में अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया। जबकि अगर आप पीएसएल की बात करो या पाकिस्तान क्रिकेट की बात करो तो वो इंडिया में दिखाई जाती है, वहाँ पर जो सोनी 10 है वो दिखाता है इसको, और वहाँ पर एंटरटेनमेंट भी होती है। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब आप हमारा पीएसएल भी दिखा रहे हो और हमारी क्रिकेट भी दिखा रहे हो तो फिर हम आपका आईपीएल क्यों नहीं देख सकते। और यहाँ पर ना 10 स्पोर्ट्स पे आती है, यहाँ पर पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान का जो 10 स्पोर्ट्स है ना, यहाँ पर आईपीएल आती है ना, जियो सुपर पे आती है ना, पीटीवी स्पोर्ट्स पे आती है, गिने जुने तीन ही तो हमारे स्पोर्ट्स चैनल हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई स्पोर्ट्स चैनल ऐसा है ही नहीं जो कि हम देखें। पहले के ज़माने में होता था कि जब डिश टीवी लगाता था डिश टीवी पे आराम से हम कोई भी क्रिकेट मैच देख सकते थे, आज तो वो भी नहीं है, डिश टीवी भी कैंसिल कर दिया। बेड़ा गर्क इन लोगों का जिन्होंने साला इतना फसाद मचाया है और हमें क्रिकेट से महरूम कर दिया। बाय द वे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भाई जो क्रिकेट है भाई सिक्योर बबल में ये अच्छी हो और आईपीएल जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, क्योंकि आईपीएल का कंप्लीट होना सिर्फ आप लोग के लिए नहीं हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आईपीएल में जितनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलती है इतना मेरे ख्याल से यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामों में भी नहीं होती, और आप इंडिया के ड्रामे तो वैसे ही लुल होते हैं। तो फिर मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।